भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वो इस रिकॉर्ड को बनाने के साथ ही सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दरअसल टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद जब भारतीय टीम की तरफ से ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर उतरे तब रोहित शर्मा ने अपने करियर के एक बड़े अचीवमेंट को अपने नाम किया। रोहित ने इस मैच में अपने क्रिकेट करियर के 15,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए जो कि अभी तक सिर्फ 7 भारतीय खिलाड़ी ही कर सके हैं। इस लिस्ट में अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ चुका है। अपने 15,000 रन पूरे करने के मामले में रोहित का नाम भारत के दो बड़े दिग्गज कप्तानों सौरभ गांगुली और MS धोनी से भी ऊपर आएगा। गांगुली ने अपने 15,000 रन पूरे करने के लिए 400 पारियां खेली थी जबकि MS धोनी को इसके लिए 452 पारियों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन रोहित शर्मा ने 396 पारियों में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया है। वैसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर 333 पारियों के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम आता है जिन्होंने इसी टेस्ट के पहले दिन वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तेज 23,000 इंटरनेशनल रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। खैर, कोहली के नाम सबसे तेज 20,000, 21,000 और 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड भी है।